अवैध तरीके से भ्रूण जांच करने के आरोप में फरार चल रहा शख्स गिरफ्तार। रादौर के गांव बैंडी में अवैध तरीके से लिंग जांच करने के फरार आरोपी शख्स को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी की गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपी राजेश को लाडवा के इंद्री चौक से गिरफ्तार किया है। इस संबंधी बातचीत करते हुए स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी CMO डॉक्टर राजेश ने बताया, ये हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग कार में एक मोबाइल मशीन लेके भ्रूण जांच करते हैं, तो उसके लिए हमने अपने मुखबिर को लगाया और उसमें पता लगा कि ये बैंडी गांव में आने वाला है भ्रूण जांच के लिए। तो सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह के आदेश पे हमने वहां पे टीम ने वहां पे रेड किया। उस टाइम ये पैसे वहीं पे छोड़ के भाग गया था, और जिसके बाद हमने थाना रादौर में FIR दर्ज करवाई। ASI रामकुमार ने अपनी टीम के साथ इस मुलजिम को इंद्री चौक से गिरफ्तार किया। ये एक टैबलेट पे कोई मशीन, एक इन्होंने कुछ लगाया हुआ, अटैचमेंट लगाई हुई है, जिसको ये लोगों को ये बताया करते थे कि हम तुम्हें बताएंगे ये लड़का है या लड़की, भ्रूण जो है वो लड़का है कि लड़की है, लेकिन वो मशीन ऐसी नहीं थी जिससे अल्ट्रासाउंड हो सकता था। ये सिर्फ लोगों को पागल बना के उनसे पैसे ले रहा था। इस केस में भी इसने 20,000 रुपये की डिमांड की थी, जो इसको स्वास्थ्य विभाग ने दिए थे, और बाद में ये फेंक के चला गया था उनको।